हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस। इस तरीके के क्वेश्चंस अभी हाल ही में SBI PO और SBI क्लर्क एग्जाम्स में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। और ये क्वेश्चंस इन सभी एग्जाम्स के लिए हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। इवन SSC एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड कलर में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और इसका एक पर्टिकुलर पाथ अंडरलाइन है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर पाथ है जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग हो सकता है। यदि आपको लगता है कि ये रॉन्ग है, तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही इसका जो वर्जन है वो इसमें आपका आंसर होगा, उससे इसको रिप्लेस किया जा सकता है। और यदि आपको लगता है ये सेंटेंस पहले से ही सही है, तो इसमें आपका आंसर होगा ई, दैट इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब यहां से हम देखते हैं, आप प्रिवेंटिव प्रोग्राम फॉर द ब्रेकआउट ऑफ एपिडेमिक इन क्विक हिट एरियाज मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड। एक इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक प्रिवेंटिव प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए एपिडेमिक से पहले, जो क्विक हिट एरियाज हैं। क्विक हिट एरियाज का मतलब है जहां पर अर्थक्वेक आया हुआ है। यहाँ पर अर्थक्वेक आया हुआ है, तो वहाँ पर एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब कोई बीमारी या कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो तेज़ी से फैलती है वहाँ पर। तो एपिडेमिक को हम बीमारी के सेंस में ही, बीमारी के रेफरेंस में ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बाकी सब तो इसमें सही है। आप प्रिवेंटिव प्रोग्राम फॉर द, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक्चुअली दो वर्ड होते हैं, एक होता है ब्रेकआउट और एक होता है आउटब्रेक। ब्रेकआउट अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का तेज़ी से फैलना या शुरू हो जाना। कोई भी चीज़ अचानक से शुरू होती है, तो उसके लिए हम ब्रेकआउट वर्ड का यूज़ करते हैं, ब्रेकआउट फ्रेजल वर्ब को यूज़ करते हैं। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, आग का शुरू हो जाना, कोई भी इशू का शुरू हो जाना, ठीक है। और एक होता है आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब भी सेम है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर दोनों में ये है कि ब्रेकआउट जो है ये फ्रेजल वर्ब है और आउटब्रेक एक नाउन होती है, ठीक है। तो यहां पर हम ब्रेकआउट नहीं लगाएंगे। यहां पर आप देखिए कि यहां पर एक डेफिनेट आर्टिकल दा लिखा हुआ है, तो दा के बाद हम यहां पर नाउन लगाएंगे, वर्ब नहीं, ठीक है। तो दा के बाद और ऑफ से पहले हम नाउन, नाउन को लगाते हैं, वर्ब को नहीं लगाते। अब हम यहां देखते हैं, देखिए प्रिवेंटिव प्रोग्राम किसी भी चीज के फैलने से पहले शुरू होना चाहिए। तो एक तो यहां फॉर नहीं आएगा, बिफोर आएगा, और एक ब्रेकआउट नहीं आएगा, यहां पर आएगा आउटब्रेक, ठीक है। तो इसमें दोनों चीजें दी हैं, बिफोर भी दिया है और आउटब्रेक भी दिया है इसमें। तो इसमें यहां पर आपका सही आंसर होगा डी, आप प्रिवेंटिव प्रोग्राम बिफोर द आउटब्रेक ऑफ, ठीक है। चूंकि दा दिया है, इसलिए यहां पर हम नाउन लगाएंगे, फ्रेजल वर्ब नहीं लगाएंगे। काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, और बैंकिंग एग्जाम्स में, प्री और मेंस में इस तरीके के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं, और इवन SSC एग्जाम्स में भी Tier 1 और Tier 2 में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया। चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रेडिशनल इंडिया रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज इंटायरली कंटिंजेंट एट देयर पेट्रियार्कियल विम्स। क्या मतलब है इसका? इस सेंटेंस का देखिए मतलब ये है कि जो परंपरागत इंडिया है, ट्रेडिशनल जो इंडिया है, वहां पर औरतों के साथ जो व्यवहार किया जाता है वो डिपेंड करता है किस पर? उनके पैट्रियार्कियल विम्स पर, के मतलब वहां पर जो मैन कम्युनिटी है, वहां पर जो पुरुष लोग हैं, उनकी मर्जी क्या है, उस पर वो डिपेंड होता है। ये बात काफ़ी हद तक सही है। जैसे जो पुराने गांव होते हैं यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, वहां पर पुरुषों का जो है डोमिनेंस रहता है, तो उसी के बारे में इसमें बात हो रही है, ट्रेडिशनल इंडिया की इसमें बात हो रही है। तो कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है। तो इन ट्रेडिशनल इंडिया रिस्पेक्ट फॉर वुमेन इज इंटायरली कंटिंजेंट ऑन हर पैट्रियार्कियल विम्स। कंटिंजेंट के बाद हम ऑन लगाते हैं, जैसे हम डिपेंड के बाद ऑन लगाते हैं, उसी तरीके से कंटिंजेंट के बाद हम ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें एट है, इसमें टू है, इसमें टू है, इसमें आपका फर्स्ट जो है, इसमें आपका सही आंसर होगा कंटिंजेंट ऑन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई ब्रदर्स फेस रिजेंबल्स, रिजेंबल्स का मतलब होता है समान होना। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि उसका जो फेस है उसके फादर से मिलता है या उसकी मदर से मिलता है, वही मीनिंग है रिजेंबल का।
लेकिन रिजेंबल के बाद हम प्रपोजिशन टू का प्रयोग नहीं करते, रिजेंबल के बाद इनफैक्ट कोई भी प्रपोजिशन नहीं आता है. माय ब्रदर्स फेस रिजेंबल्स मी एंड पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी हिम. माय ब्रदर्स फेस रिजेंबल्स टू मी ना होते हुए माय ब्रदर्स फेस रिजेंबल्स मी एंड पीपल ऑफन गेट कंफ्यूज्ड व्हेन दे सी हिम. ठीक है, माय ब्रदर्स फेस रिजेंबल्स मी, फॉर मी टू मी नहीं आएगा. इसमें आपका आंसर होगा बी, क्वेश्चन नंबर थर्ड में रिजेंबल के बाद हम टू नहीं लगाते हैं. क्वेश्चन नंबर फोर हम देखते हैं. प्राइम मिनिस्टर अश्योर द हाउस दैट बिफोर साइनिंग द WTO अग्रीमेंट एवरी आस्पेक्ट विल बी डिस्कस थॉरली. तो देखिए ये सेंटेंस पास्ट में है, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. देखिए ये हैं इसके ऑप्शंस, प्राइम मिनिस्टर अश्योर्ड, यहां से हमें पता पड़ रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है. तो इसका मतलब ये है कि इसमें आगे वाली जो वर्ब्स होंगी वो पास्ट में आएंगी. ठीक है, तो यहां पर ये होगा विल बी के स्थान पर होगा वुड बी, और एवरी के बाद आने वाली नाउन जो होती है वो होती है सिंगुलर. यानी दो करेक्शन की इसमें जरूरत है, एक तो यहां पर विल बी के स्थान पर वुड बी होना चाहिए और एक एवरी आस्पेक्ट होना चाहिए. तो इसमें देखिए यहां पर एवरी के बाद इसमें एस लगा हुआ है तो ये गलत हो गया, इसमें भी एस लगा है ये गलत हो गया, इसमें विल बी है तो ये गलत हो गया, इसमें सही है. एवरी के बाद इसमें आस्पेक्ट लगा है और यहां पर वुड बी भी है. ठीक है, तो इसमें आपका डी जो ऑप्शन है ये सही है. क्वेश्चन नंबर फोर में एवरी के बाद हम जो नाउन लेंगे वो सिंगुलर में लेंगे, प्लस ये जो सेंटेंस है पास्ट में है इसलिए इसमें विल बी के स्थान पर हम वुड बी का प्रयोग करेंगे. डी इसमें आपका सही आंसर होगा. चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं. इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इंडिया में सबसे ज्यादा कैटल हैं. कैटल अपने आप में एक प्लूरल नाउन होती है, इसमें हम एस नहीं लगाते, एक तो इसमें ये गलती है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अदर का प्रयोग नहीं करते, एक इसमें ये गलती है. अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. इसमें कैटल्स है ये गलत हो गया, ये कैटल्स गलत हो गया, इसमें अदर है तो गलत हो गया. तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा डी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम अदर वर्ड का यूज नहीं करते और कैटल में एस नहीं लगता है. कैटल का मतलब होता है एनिमल्स. ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, कैटल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. जैसे हम बोलते हैं बेस्ट ऑफ ऑल, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ऑल अदर नहीं बोलते. ठीक है, तो डी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा. ये है अप्लाइड ग्रामर और इस तरीके के क्वेश्चंस कॉमनली पूछे जाते हैं. यहां हम देखते हैं नाउ HRD मिनिस्टर हैज कम अप विद द प्रपोजल टू मेक एलिमेंट्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट एज इफ इट इज द पेनेसिया फॉर ऑल. देखिए यहां पर एक गलती है इसमें, एक तो इसमें यहां पर गलती है कि एज इफ का मतलब होता है कि हम इमेजिनरी सेंटेंस को वहां पर कंसिडर करके चल रहे हैं. तो एज इफ इट वर होना चाहिए यहां पर, इसको हम पास्ट प्लूरल में लिखते हैं एज इफ के बाद. और एक चूंकि यहां पर ऑल लगा हुआ है तो यहां पर होना चाहिए ऑल इल्स होना चाहिए यहां पर, और ये यहां पर होना चाहिए एज इफ इट वर. अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है. एज इफ इट वर अ पेनेसिया फॉर ऑल इल्स अफ्लिक्टिंग, एज इफ इट वर द पेनेसिया फॉर ऑल इल्स होना चाहिए. ऑल इल्स कहां पर है, इसमें ऑल इल है, इसमें ऑल इल है. एक्चुअली पेनेसिया से पहले हम दा लगाते हैं, दा पेनेसिया, रामबाण जिसको बोलते हैं रामबाण. ठीक है, एज इफ इट वर द पेनेसिया फॉर ऑल इल्स एफ्लिक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम. यानी HRD मिनिस्ट्री जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बनाना चाहती है. उसको लगता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो पेनेसिया है, वो एक रामबाण मेडिसिन है सभी बीमारियों के लिए जो कि एजुकेशन सिस्टम को एफ्लिक्ट कर रही है. ठीक है, एफ्लिक्ट मतलब उससे वो पीड़ित है, उससे वो अफेक्टेड है. तो यहां पर सही आंसर होगा एज इफ इट वर द पेनेसिया फॉर ऑल इल्स एफ्लिक्टिंग द एजुकेशन सिस्टम. तो यहां पर हम डी इसमें आपका सही आंसर होगा. यहां पर हम देखते हैं फ्रॉम बीइंग अ लैंड ऑफ शेयर्ड कम्युनिटी इंडिया बिगेन टर्निंग टुवर्ड
अ लैंड ऑफ शेयर्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या गलती है। एक्चुअली जब हम टर्न वर्ड का यूज़ करते हैं या चेंज वर्ड का यूज़ करते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं टर्निंग इनटू। इंडिया बिगेन टर्निंग इनटू अ लैंड ऑफ शेयर्ड अपॉर्चुनिटी। इंडिया बिगेन टर्निंग इनटू अ लैंड ऑफ शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, टर्निंग टूवर्ड, ठीक है, टर्न टू ए, टर्निंग इनटू ए। जब एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ में चेंज होती है या टर्न होती है किसी दूसरी चीज़ में, तो उसके लिए हम टर्निंग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपका डी सही है इसमें। इंडिया बिगेन टर्निंग इनटू अ लैंड ऑफ शेयर्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड ऑन टू प्ले एन इंक्रीजिंगली एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन द कमिंग डिकेड्स। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब यह है कि इंडिया से बोला जा सकता है, इंडिया से कॉल अपॉन एक्चुअली होना चाहिए यहाँ पर। कॉल अपॉन का मतलब होता है कि किसी से रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना, तो उस सेंस में हम कॉल अपॉन का यूज करते हैं। इंडिया इज गोइंग टू बी कॉल्ड अपॉन टू प्ले एन इंक्रीजिंगली एक्टिव रोल इन इंटरनेशनल रिलेशंस इन द कमिंग डिकेड्स। मतलब आने वाले दशकों में इंडिया से ये बोला जा सकता है कि वो इंटरनेशनल रिलेशन में और ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। देखिए, कॉल ऑन और कॉल अपॉन दोनों का मीनिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉल अपॉन एक्चुअली ज़्यादा सही यहाँ पर मीनिंग को कन्वे करेगा। कॉल अपॉन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से डिमांड करना, रिक्वेस्ट करना। कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट करना, ठीक है। लेकिन इस सेंस में हम कॉल ऑन को भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉल अपॉन एक्चुअली मोर करेक्ट है। कॉल अपॉन को हम आस्क के सेंस में या रिक्वेस्ट के सेंस में ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। हालांकि कॉल ऑन भी गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट जो आंसर है वो है ए यहाँ पर, ठीक है। ये भी करेक्ट है मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पर हम जो ऑप्शन सही मानेंगे कॉल अपॉन को मानेंगे, क्योंकि कॉल अपॉन को हम ज़्यादा कॉमनली, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली इस सेंस में यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट करने के सेंस में। तो ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम। द गवर्नमेंट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, टू इसमें एक प्रपोजिशन है, तो इसलिए इसके बाद एक तो पासिंग होना चाहिए यहाँ पर, और विमेंस रिजर्वेशन बिल के आगे दा लगेगा इसमें, क्योंकि ये पर्टिकुलर बिल है। लुकिंग फॉरवर्ड, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद फॉर नहीं आता, टू आता है। लुकिंग फॉरवर्ड टू पासिंग द विमेंस रिजर्वेशन बिल। सी इसमें आपका सही आंसर होगा। लुक फॉरवर्ड टू के बाद हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल से पहले दा का यूज होगा, क्योंकि एक ये पर्टिकुलर बिल है। सी इसमें सही होगा आपका, ए बी सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बीइंग अ कन्विक्ट ऑफ फॉर्डर स्कैम, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। फॉर्डर मतलब होता है चारा जो गाय भैंसे वगैरह खाती हैं। तो बीइंग ए कन्विक्ट ऑफ फॉर्डर स्कैम, चूंकि वो फॉर्डर स्कैम का एक कन्विक्ट था, इसलिए उससे रेजिग्नेशन मांगा गया उसकी पोस्ट से। ये सेंटेंस सही है। ये कन्विक्ट एक नाउन है, बीइंग एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। और ये पूरा जो फ्रेज है ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। ये जो पूरा क्लॉज यहाँ पर आया है ये इससे रिलेटेड है, तो ये सही है ये सेंटेंस। बीइंग ए कन्विक्ट ऑफ फॉर्डर स्कैम, फॉर्डर स्कैम का कन्विक्ट होने के नाते उससे उसकी पोस्ट से रेजिग्नेशन मांगा गया, तो ये सेंटेंस सही है। यहाँ पर देखिए इसमें ए नहीं है तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ही एक्चुअली नहीं आएगा, क्योंकि हिम हम बोल रहे हैं तो ही दो बार नहीं आएगा, तो ये गलत हो गया। ही वॉज एक्सपेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि उससे मांगा गया रेजिग्नेशन। ही एक्सपेक्टेड नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया। तो इस हिसाब से आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही आस्क हिज सपोर्टर्स टू प्रिपेयर देम फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मतलब होगा इसका? उसने अपने सपोर्टर से बोला कि वो प्रिपेयर करें अपने आप को। यहाँ पर रिफ्लेक्सिवली हम इसको यूज कर रहे हैं वर्ब को, टू प्रिपेयर देमसेल्फ। देखिए उसने सपोर्टर से बोला कि वो तैयार करें किसको, अपने आप को। टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ इसमें देमसेल्फ ऑप्शन दिया है। टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर शोल्डरिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसने अपने सपोर्टर से बोला कि
कि वो अपने आप को प्रिपेयर करें बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर करने के लिए, अपने कंधों पर लेने के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर आपको चाहिए कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए आगे देखते हैं, वी हैव आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कॉमन मैन, आर प्लान्स शुड गिव प्रायोरिटी। गिव प्रायोरिटी के बाद हम टू लगाते हैं, तो टू कहां पर है, शुड गिव प्रायोरिटी टू, शुड गिव प्रायोरिटी ऑफ नहीं होगा, अवर ऑफ, नहीं नहीं ये गलत है, इसमें आपका सी सही है। वी हैव अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द कॉमन मैन, कॉमन मैन के पहले हम द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये कॉमन मैन की जो कम्युनिटी है, इसमें ये जो कॉमन मैन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं द कॉमन मैन, पूरी कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कॉमन मैन। तो द कॉमन मैन एंड आर प्लान शुड गिव प्रायोरिटी टू देयर प्रॉब्लम, सी इसमें सही है। आर प्लान शुड बी गिवन प्रायोरिटी, तो ये तो पैसिव वॉइस में है तो ये तो गलत वैसे ही हो गया, यहाँ पर ऑफ आ रहा है, यहाँ पर फॉर आ रहा है, प्रायोरिटी के बाद हम टू लगाते हैं, ठीक है, और कॉमन मैन से पहले द आएगा, तो यहाँ पर आपका सी इसमें सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, हिज इमीडिएट टास्क मे बी टू कीप द कोलिशन इन द स्टेट गोइंग अनलेस ही कैन थिंक ऑफ वेज टू काउंटर मिस्टर सिन्हास मिशन नाउ टू डिमोलिश द पेरेंट पार्टी। देखिए ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में देखते हैं, हिज इमीडिएट टास्क मे बी टू कीप द कोलिशन इन द स्टेट गोइंग, उसका जो इमीडिएट टास्क है वो ये है कि वो कोलिशन जो है, कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, पार्टियों के साथ जो ग्रुपिंग होती है, तो उसका जो इमीडिएट टास्क है वो ये है कि वो कोलिशन को स्टेट में चलने दे, ठीक है। अनलेस हम यहाँ पर क्यों लगा रहे हैं, अनलेस यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर हम एक टाइम के बारे में बोल रहे हैं कि उसका इमीडिएट टास्क ये है कि वो स्टेट में कोलिशन को चलने दे, टिल ही कैन थिंक ऑफ वेज, टिल वर्ड आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर टाइम इन्वॉल्व है, टिल ही कैन थिंक वेज टू काउंटर मिस्टर सिन्हाज मिशन, टिल ही कैन थिंक ऑफ वेज टू काउंटर मिस्टर सिन्हाज मिशन, जब तक उसके पास ऐसे तरीके नहीं हैं जिससे वो मिस्टर सिन्हा का जो मिशन है उसको काउंटर कर सके, तब तक उसका टास्क ये होगा कि वो कोलिशन गवर्नमेंट को स्टेट में चलने दे, तो टिल आना चाहिए यहाँ पर, अनलेस नहीं आएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि अनलेस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि कंडीशन की इसमें बात नहीं हो रही है, इसमें हो रही है टाइम की बात, कि जब तक वो वेज ऐसे तरीके नहीं निकाल लेता जिससे वो मिस्टर सिंह के मिशन को काउंटर कर सके, तब तक उसका जो इमीडिएट काम है वो क्या है कि कोलिशन गवर्नमेंट को वहां पर चलने दे, टिल ही कैन थिंक ऑफ वेज टू काउंटर मिस्टर सिन्हाज मिशन, सी इसमें एकदम सही आपका ऑप्शन आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हेड द पार्टी डिस्पेंस ऑफ द कंटेंशियस इशू, डिस्पेंस का मतलब होता है गो विदाउट, इसके बिना काम चला लेना, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं इनडिस्पेंसिबल, इनडिस्पेंसिबल का मतलब है कि इसके बिना काम नहीं चल सकता, ये अनिवार्य है। डिस्पेंस विद का मतलब है कि इसके बिना काम चल सकता है, यू कैन मैनेज विदाउट इट, लेकिन डिस्पेंस के बाद हम ऑफ नहीं लगाते, हम विद लगाते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये थर्ड कंडीशन का सेंटेंस है, इसमें वुड हैव का यूज हो रहा है और वुड हैव के साथ इसमें थर्ड फॉर्म भी लगी है, तो हैड का यूज तो यहाँ पर सही है, ठीक है, हैड का यूज तो सही है यहाँ पर, लेकिन डिस्पेंस के बाद इसमें विद हम लगाएंगे। हैड द पार्टी डिस्पेंस विद द कंटेंशियस इशू, इट वुड हैव गॉट द मेजोरिटी एज इट्स ओन, एट इट्स ओन। यदि पार्टी ने कंटेंशियस इशू जो है, जो डिस्प्यूटेड इशू चल रहा था, उससे अगर पार्टी को छुटकारा मिल गया होता या उससे छुटकारा उसने पा लिया होता, तो पार्टी ने मेजोरिटी गेन कर ली होती। तो यहां पर आपका आंसर होगा हैड द पार्टी डिस्पेंस विद द कंटेंशियस इशू, ये होगा, हैड द पार्टी डिस्पेंस विदाउट नहीं होता, डिस्पेंस विद होता है, ठीक है। तो डी इसमें आपका
सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, बट इट हार्डली कैन इग्नोर, ये सीक्वेंस गलत हो गया यहां पर, इसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं। एक्चुअली सही सीक्वेंस यहां पर होना चाहिए, एक्चुअली हार्डली एडवर्ब है, इग्नोर से पहले आना चाहिए, ये इग्नोर वर्ब है तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा एडवर्ब, ठीक है। बट तो सभी में, बट इट कैन हार्डली इग्नोर होना चाहिए, बट इट कैन हार्डली इग्नोर, हाँ ये कैन नॉट और हार्डली दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों नेगेटिव वर्ड एक साथ नहीं आएंगे, बट इट कैन हार्डली इग्नोर द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ, ये हार्डली देखिए इग्नोर से इसमें पहले आ रहा है, ठीक है, तो ये सही है सीक्वेंस आपका, बट इट कैन हार्डली इग्नोर, बी इसमें आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सब्सिडियरी बैंक्स ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर एस्टेब्लिश्ड बाय डिफरेंट स्पेशल स्टैच्यू, देखिए जो सब्सिडियरी बैंक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, उनको एक कानून के तहत बनाया गया था, उनको एक लॉ के तहत बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर जो स्पेलिंग जो दी है, कानून या लॉ जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टैच्यूट, स्टैच्यूट्स, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो स्पेलिंग है ये तो स्टैच्यू की स्पेलिंग है, मूर्ति उसकी स्पेलिंग है ये, तो यहाँ पर एक्चुअली बी ऑप्शन आपका सही होगा, स्पेशल स्टैच्यूट्स ये होगा सही। स्पेशलाइज्ड एक्चुअली हम आर्मी या फोर्सेस में स्किल को इंडिकेट करने के लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं, स्पेशलाइज्ड फोर्स, स्पेशलाइज्ड स्किल, उस सेंस में इसको हम यूज करते हैं, यहाँ पे स्पेशल वर्ड ही सही होगा, और स्टैच्यू के स्थान पर स्टैच्यूट्स, STATUTES, ठीक है, लॉ के लिए हम बोलते हैं, जैसे स्टैच्यूटरी वार्निंग होती है, कानून से संबंधित वार्निंग, तो स्टैच्यूट्स मतलब लॉज, अलग अलग लॉज जो होते हैं, तो बी यहां पर सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, फॉर द ओल्ड इट इज ओनली अ फ्यू बेंचेस और स्टेप्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग टू सिट एंड ब्रूड एट डेज गॉन बाय, यहां पर किसकी बात हो रही है, यहां पर जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जो एल्डरली लोग होते हैं, उनकी इसमें बात हो रही है कि ओल्ड जो लोग हैं, जैसे द ओल्ड यहां पर दिया है, तो द ओल्ड का मतलब है कि बड़े बूढ़े लोगों की जो पूरी कम्युनिटी है। फॉर द ओल्ड इट इज ओनली अ फ्यू बेंचेज और स्टेप्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग टू सिट एंड ब्रूड एट, नहीं होता एक्चुअली, होता है ब्रूड ओवर, किसी चीज के ऊपर सोच विचार करना, और डेज गॉन बाय हम बोलते हैं पुराने दिनों के लिए, जो दिन बीत चुके हैं, जो दिन जा चुके हैं, उसके लिए हम बोलते हैं गॉन बाय, और ब्रूड के साथ हम लगाएंगे ओवर, तो डेज गॉन बाय इसमें दिया है और ओवर भी इसमें दिया है, ठीक है, तो सही आंसर यहां पर होगा सी। काफी अच्छे ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस बैंक पी और बैंक क्लर्क में मेंस एग्जाम्स में भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे, प्री में तो आ ही सकते हैं, मेंस के लिए भी यूजफुल रहेंगे, और SSC एग्जाम्स में भी टीयर 2 के लिए क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्वेश्चन 8 देखते हैं, ऑल बैंक्स हुज शेयर्स आर लिस्टेड विद स्टॉक एक्सचेंज आर रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अनऑडिटेड क्वार्टरली रिजल्ट्स एज पर Prescribed by the SEBI. इसके ऑप्शंस देख लेते हैं पहले, देखिए एज पर प्रो फॉर्मा होगा, प्रो फॉर्मा का मतलब एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनीज अपने प्रोजेक्शन दिखाती हैं कि इस क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हो सकता है, उसके क्वार्टर में इतना प्रॉफिट हो सकता है, सॉरी तो एज पर परफॉर्मेंस ना होते हुए ये होगा एज पर प्रो फॉर्मा, एक प्रोजेक्शन कंपनीज दिखाती हैं, और सेबी बोल रहा है कि इस जो भी कंपनीज के शेयर लिस्टेड हैं उनको अपना प्रोजेक्शन दिखाना होगा, ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं होते, ये केवल एक प्रोजेक्शन होता है, प्रोफॉर्मा इसको हम बोलते हैं, तो एज पर प्रोफॉर्मा यहां पर सही आंसर आपका होगा। चलिए अब हम आगे देखते हैं, सिंस एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेस हिंजेस ऑन कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, लार्ज बॉडी ऑफ रिसर्च नेचुरली फोकसेस होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बॉडी सिंगुलर है, तो इसको हम देख लेते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ रिसर्च नेचुरली फोकसेस ऑन हाउ पीपल डिकोड एडवर्टाइजिंग स्टिमुलाई, स्टिमुलस एक्चुअली सिंगुलर होता है, स्टिमुलाई प्लूरल होता है, स्टिमुलस
मतलब कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को प्रवोक करे, एक्साइट करे, उसको उसको बूस्ट करे। तो फोकसेस के बाद यहां पर ऑन आएगा, ठीक है, ये फोकसेस होगा और फोकसेस के बाद ऑन आएगा, फोकस ऑन समथिंग, हम किसी चीज के ऊपर फोकस करते हैं, और चूंकि बॉडी सिंगुलर है इसलिए फोकसेस होगा, और फोकसेस के बाद हम ऑन लगाएंगे इसमें। तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका वो होगा बी। ठीक है, आगे देखते हैं। एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर में चेंज ओवर टाइम बिकमिंग बिजार इफ मेडिकेशन इज स्टॉप्ड एंड रिटर्न, नहीं होना चाहिए ये, होना चाहिए इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है। एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर में चेंज ओवर टाइम, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर चेंज हो सकता है और वो बिजार बन सकता है, मतलब बिजार का मतलब अजीब, स्ट्रेंज, वो बिजार बन सकता है यदि मेडिकेशन को रोक दिया जाता है और वो रिटर्निंग क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यदि अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो नॉर्मल हो सकता है और यदि मेडिकेशन रोक दिया जाता है तो वो बिजार हो सकता है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो पूरा फ्रेज है ये कंसिस्टेंट नहीं है। बिकमिंग बिजार इफ मेडिकेशन इज स्टॉप्ड एंड, यहाँ पर एंड के बाद दोनों सेम वर्ब आनी चाहिए, बिकमिंग बिजार इफ मेडिकेशन इज स्टॉप्ड एंड रिटर्निंग क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यहाँ पर ये एंड रिटर्निंग क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, यहाँ पर सी इसमें सही है आंसर। एंड कैन रिटर्न, वाइल रिटर्न नहीं होगा, आफ्टर रिटर्निंग नहीं होगा, एंड रिटर्निंग क्लोजर टू नॉर्मल व्हेन रिसीविंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, सी इसमें आपका सही आंसर होगा। काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इस वीडियो क्लास में मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और काफ़ी यूजफुल रहेंगे ये सभी क्वेश्चंस बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें तब ये क्वेश्चन सारे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स आपको ये क्लियर होंगे। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।